शनिवार सुबह महाराष्ट्र के अलीबाग से संग्राम देवरा पहुंचा। कुरुल गांव अलीबाग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 60 यात्रियों का जत्था बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा पहुंचा। समाधि के दर्शन के बाद राम सरोवर तालाब परचा बावड़ी रुणीचा कुआ व पोनोरमा के दर्शन किए। ये संघ हर वर्ष गोरक्षक संत श्री देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में आता है। पत्रकार भेंट में महाराज ने कहा कि हम बाबा रामदेव जी से देश में शांति समृद्धि और एकता के साथ अमन चैन की दुआ मांगने आते हैं और बाबा रामदेव जी हमारी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। और संत ने कहा कि बाबा रामदेव जी के वंशजों द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चालू की गई, वह बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। इससे यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों को अच्छा शुद्ध भोजन प्राप्त हो सके। संघ के रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव जी के वंशज जोगाराम सिंह तनवर बाबू भले करे संस्थान के श्री भगवान गुस्साई महेश पालीवाल राजेंद्र खत्री सहित काफी लोगों ने संत देवगिरी महाराज का स्वागत किया। महाराज जी कहाँ से आए हो आप? पूर्वन अलीबाग महाराष्ट्र से हम 50 यात्रियों का संघ लेके बाबा रामदेव आए हैं और बाबा सबकी भली करें और आने वाले यात्रियों को बाबा सदा चुनी बनी रखे और उनका दुख दरिद्र दूर करें। और हम हर साल की तरह इस साल भी हम बड़ी खुशहाली से बाबा का दर्शन करने आए। हमारे को दर्शन हो गया और बहुत बड़ा दर्शन हुआ और यहाँ के आने वाले यात्रियों की बाबा सदा जोड़ी बने, मान सम्मान बढ़ाए और उसका कारोबार सफल करे। जय बाबा जी।